राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हरियाणा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। नई शिक्षा नीति से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्यपाल आज हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। देश में लागू करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन मुझे खुशी है हरियाणा सरकार 2025 के अंदर ही उसको लागू करने का निर्णय लिया है। लेकिन नई शिक्षा नीति में साइंटिफिक एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन और अपना एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। राज्यपाल ने बताया कि 25 वर्षों में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा से 11 राज्यों से 80,000 से अधिक विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त की है। दूरस्थ शिक्षा को ऑनलाइन चलाने वाला गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। राज्य से और 163 केंद्रों में से इतनी बड़ी योगदान 25 साल में आप लोगों ने किया, इसके लिए यूनिवर्सिटी के सारे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। समारोह में दूरस्थ शिक्षा से उपाधि प्राप्त कर अच्छे पदों पर पहुंचने वाले पूर्व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों ने नौकरी के साथ इस विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने पर खुशी जाहिर की। इसे मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त करी और मैंने बहुत लगन से यहाँ के टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मुझे एक्सपोजर मिला। सर, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने डिस्टेंस में एजुकेशन ली है मास कम्युनिकेशन में। मैं इस यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ 2014 के बैच में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यहाँ का। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है एजुकेशन इसके बेस पर।